जैसे ही मोहम्मद सामी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, मैदान में मौजूद हर कोई बस एक दूसरे को ही देखे जा रहा था, क्योंकि यह अवार्ड तो रोहित शर्मा डिजर्व करते थे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जानकर आप भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का दूसरा ओडीआई मैच हर मायने में पैसा वसूल मैच रहा, जहां पर भारतीय टीम की बैटिंग को ही जीत का एकमात्र सहारा बताया जा रहा था। वहां पर हार्दिक पांड्या, सिराज और मोहम्मद सामी सहित हर बॉलर ने आज इस भ्रांति को तोड़कर रख दिया और न्यूजीलैंड को मात्र 108 रनों में निस्तनाबूत कर दिया। लेकिन जवाब में कप्तान रोहित शर्मा ने अकेले ही टीम के आधे रन बना डाले, इसलिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड कप्तान रोहित शर्मा को ही मिलना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद सामी को यह अवार्ड दे दिया गया। इसके बाद मोहम्मद सामी ने इस पर बात करते हुए कप्तान रोहित शर्मा को इस अवार्ड का असली हकदार बता डाला। आपको क्या लगता है, इस मैच का असली मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिलना चाहिए था? कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।